खबर इंदौर से है, जहां पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंपनी के यार्ड में रविवार शाम से भीषण आग लगी हुई है। आग बुझाने के लिए इंदौर, पीथमपुर, महू और मांडव के फायर स्टेशन की 10 से अधिक गाड़ियां लगी हुई हैं। आग कंपनी के स्क्रैप यार्ड में लगने से फायर टीम को इसे बुझाने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर के फायर SP भी सोमवार सुबह मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। फायर फाइटर्स रात भर आग पर काबू करने के लिए परेशान होते रहे। अभी भी यार्ड में पड़े मलबे और धुआं और लपटें निकल रही हैं। फायर SP निगवाल के मुताबिक इंदौर फायर ब्रिगेड को रविवार शाम सूचना मिली थी कि पीथमपुर औद्योगिक इलाके में लॉयड इंसुलेशन कंपनी के यार्ड में आग लगी हुई है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। यहां रात भर फायर फाइटर्स टैंकरों की मदद से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास करते रहे। अलसुबह आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन मलबे के अंदर से अब भी काफ़ी धुआं और लपटें निकल रही हैं, जिन्हें बुझाने का काम चल रहा है। 10 से ज़्यादा गाड़ियां और 100 से अधिक टैंकर लगे हुए हैं। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों की माने तो इस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की 10 से ज़्यादा गाड़ियां लगी हुई हैं, जिसमें इंदौर, महू, पीथमपुर, धार और मांडव तक से फायर टीम को बुलाया गया था। आग काफ़ी भयावह थी, इसे बुझाने में 100 से अधिक टैंकर को लगाया गया था। इंदौर के अलावा ग्रामीण नगर परिषद की गाड़ियों से भी यहाँ पानी लाया गया था। फायर ब्रिगेड के मुताबिक रात करीब 3:30 बजे के लगभग सिमरोल में एक मुर्गियों के फार्म हाउस में आग लग गई थी। यहाँ फायर टीम ने आग पर काबू कर लिया। आग में यहां कई मुर्गियां जलकर खाक हो गईं। रात में 2 टैंक पानी डालने के बाद आग पर काबू कर लिया गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं खुड़ैल के आगे एक खेत में भी रात में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थीं। यहां भी आग पर काबू कर लिया गया।